स्वागत है दोस्तों आपका टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। और यहाँ पर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ RTI की, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का, आप क्या यूज़ कर सकते हैं आपके एग्जाम्स में अगर आप SSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ आपके SSC JEE की एग्ज़ाम की। तो JEE की हम मेंस के पेपर की ही बात कर लेते हैं, जैसा कि आपका मेंस का पेपर हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आया था, उसके बाद अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। बट आपको मेंस के मार्क्स अभी तक बताए नहीं गए हैं, तो आप अपनी आंसर शीट्स जो हैं आप पोस्ट के थ्रू कैसे मंगवा सकते हैं अपने घर पे, और आपके मार्क्स जान सकते हैं और आपके आंसर्स पता कर सकते हैं कि आखिर आपको कहाँ कितने आंसर्स मिले, कितने मार्क्स मिले हैं और कौन से आंसर पे कितने मार्क्स मिले हैं और कहाँ गलती हुई थी। तो सारी चीज़ आप जान सकते हैं, और वो कैसे करनी है पूरी प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अभी मेंस नहीं दिए हो तो भी चलेगा, आप पूरा देखिए आपको, ताकि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, और या फिर जिन्होंने दे रखा है और जिन्हें मार्कशीट्स मंगानी है, आंसर शीट्स मंगानी है, तो वो भी पूरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको rtionline.government.in की वेबसाइट याद रखनी है। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी अगर जैसे आप SSC की बात करूं, तो SSC की बात करता हूं, तो SSC नॉर्थ रीजन आप अगर आप सर्च करेंगे, SSC NR, ठीक है, वो सर्च करेंगे तो आपको वहां साइड में देखेगा RTI सूचना दिखेगी, उसके बाद नीचे आपको देखेगा प्रवेश पत्र डाउनलोड और सारी चीज़ें मिलेगी। वहाँ नीचे आपको और जाएंगे तो आपको मिलेगा एक और चीज़, ऑनलाइन RTI दाखिल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लिक करनी है, इस पे जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ इस पे जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप RTI, आप डायरेक्ट rtionline.government.in से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप SSC नॉर्थ रीजन में भी चल जाए, या फिर आपके रीजन में भी किसी ना किसी रीजन में मिलेगा, किसी में नहीं है तो आप नॉर्थ रीजन से भी डाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म कैसे भरना है वो बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है कि सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी, तो यहाँ पर आपको भरना होगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, ठीक है, आपको यही भरना है। अगर आप मार्कशीट आंसर शीट मंगा रहे हैं SSC के थ्रू, तो आपको यही भरना होगा। तो हम यहाँ जी ढूंढ लेते हैं, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये आप कर देंगे सिलेक्ट, ओके। अब सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, किस अथॉरिटी की मंगानी है, हमको मंगाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मंगाना, और अपने रीजन का, जैसे बेंगलुरु ईस्ट रीजन, ऐसे सारे रीजन है, कोई सा भी एक रीजन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम भर देते हैं नॉर्थ रीजन एक, ठीक है, हमने सिलेक्ट कर दिया, योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद स्टाफ सिलेक्शन नॉर्थ रीजन, आई नो, ओके। अब यहाँ पे आपको नेम फिलअप करना होगा, यहाँ पे जेंडर, यहाँ एड्रेस आपका सही वाला जो एड्रेस डालना होगा आपको, जो आपका अभी है करेंट एड्रेस, क्यों, क्योंकि आपके पास आपका पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के थ्रू आपके पास कॉपीज आएंगी, कॉपी की फोटो कॉपी आएगी। पिन कोड डालना होगा, कंट्री डालना होगा, स्टेट डालना होगा, स्टेटस डालना होगा, रूरल और अर्बन, एजुकेशनल स्टेटस डालना होगा, और उसका फ़ोन नंबर डालने होंगे, ये भी चालू फ़ोन नंबर डालने होंगे, ठीक है। ईमेल आईडी भी चालू डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ईमेल आईडी पे पासवर्ड एंड वो प्रोसेस आएगी, ताकि आप स्टेटस चेक कर सकेंगे आपकी रिक्वेस्ट का, इसलिए तो वो चीज़ भी सही डालना है आपको। इसके बाद रिक्वेस्ट डिटेल्स डालना है, सिटीजनशिप डालना है, उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो चीज़ कर देनी है। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर RTI एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं कीजिए, सिंपली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए SSC JEE 2017 की जो पेपर टू कन्वेंशनल या मेंस ये हुआ था, उसकी आपको आंसर शीट्स मंगानी है। तो आप एडिशन में थोड़ा सा आप इसके रोल नंबर नेम वगैरह भी डाल सकते हैं, बट आप ये चीज़ रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कि हमें ये चीज़ मंगानी है। अब उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या डालना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में डालना होगा आपको मेंस का एडमिट कार्ड, जो पेपर टू आपने दिया है ना, उसका एडमिट कार्ड आपको इसके अंदर अपलोड कर देना है, उसका इंटर सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देना है। अब ये सबमिट करने के बाद दोस्तों एक पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट ऑप्शन सिर्फ आपका रहेगा 10 रुपये का, अगर पॉवर्टी लाइन में हैं तो 10 रुपये भरने होंगे, अगर सॉरी पॉवर्टी लाइन में हैं तो आपको 10 रुपये भरने नहीं होंगे, और अगर आप पॉवर्टी लाइन में नहीं आते, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब में नहीं आते हैं, उसके नीचे नहीं आते हैं, तो आपको 10 रुपये भरने होंगे। तो वो आप पेमेंट गेटवे से 10 रुपये का पेमेंट करेंगे, प्रोसेस पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके पास हाथों हाथ आज के दिन आपने जो नंबर रजिस्टर किया है उस पर मेल आएगा, सॉरी उस पर आपका कंफर्मेशन आएगा कि हाँ आपका ये रजिस्टर हो गया, ये रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका एक दिन का टाइम लेता है कम से कम, तो आज नहीं तो जैसे आज कर रहे हैं तो आज नहीं आएगा, तो कल तक आपके पास मेल आ जाएगा, मेल पर आएगा आपके पास ID, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी, और आपका पासवर्ड, ठीक है, ये चीज़ आपको आएगी।
अब आपको वो आईडी पासवर्ड जो है उससे क्या करना है, आपको जाना होगा rtionline.gov.in की वेबसाइट पे। सीधे सीधे आप सर्च बार में rtionline.gov.in डालेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टॉप में देख रहे हैं, यहाँ पे व्यू स्टेटस दिख रहा है, व्यू स्टेटस दिखा था, यहाँ दिख रहा है आपको ऊपर, व्यू स्टेटस कर दिया आपने। तो व्यू स्टेटस करने के बाद आपको पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर ईमेल आईडी एंड आपका इंटर सिक्योरिटी कोड जो आपको सामने दिख रहा है, ये आप सबमिट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आपको इसको सबमिट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अब इसके बाद आपके पास आएगा एक पेमेंट के लिए, एडिशनल पेमेंट का गेटवे ओपन होगा कि आपको एक एडिशनल पेमेंट करना है दोस्तों। वो पेमेंट किस चीज़ की रहती है, लगभग 50 से 60 रुपए के आसपास रहती है। तो वो आपके पोस्ट चार्ज जो होगा, आपका फोटोकॉपी, आपका साई की, वो सब जो भी एडिशनल चार्जेस हैं वो जो लगते हैं आरटीआई के तहत, तो वो चार्जेस यहाँ से आपके लिए जाएंगे। वो पेमेंट गेटवे पे जाके आपको चार्जेस भरने होंगे। उसके बाद ये चार्ज आप भर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन व्यू जो स्टेटस है आपके पास अभी आ जाएगा कि हाँ आपके पेमेंट रिसीव हो गया। आप थोड़े दिन तक चेक करेंगे तो आपको स्टेटस चलता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे, यानी आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है, आपका यहाँ पर आपका जितना भी आपका एडिशनल चार्जेस था वो हमने रिसीव कर लिया है। फिर उसके बाद आएगा रिक्वेस्ट प्रोसेस की जा रही है, और आपके पास ऐसे स्टेटस थोड़े दिनों बाद आप चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाँ आपकी रिक्वेस्ट हो चुकी है पूरी अप्रूवल, और आपके पास पोस्ट आ जाएगी किस दिन तक आपका रिक्वेस्ट जो भी आपने की है उसकी पोस्ट आ जाएगी आपके घर पर। तारीख भी लिख देंगे वो, और लिख देंगे कि हाँ आपका जो रिक्वेस्ट है वो डिस्पोज की जा रही है। तो ये दो तीन चीज़ें रहती हैं, स्टेटस जब अपडेट होता रहता है उसके बाद आपका डेट आ जाती है। तो फाइनली उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, बस वेट करना होगा, आपके घर पे आपके आंसर शीट्स आ जाएंगी, और आंसर शीट आएगी उस पर आपके मार्क्स आ जाएंगे, कितने कौन से क्वेश्चन पे कितने मार्क्स दिए गए हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो फोटोकॉपी के फॉर्मेट में आपके पास आएगी, तो आप वो आप सब चेक कर सकेंगे। ओके, अब आपको मैं बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं तो देखने के लिए, तो आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे, आंसर शीट पूरी तो नहीं है, आपका छोटा सा चीज़ दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह के आपके पास फ्रंट पेज पे ऐसे मार्क्स लिखे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे वहाँ पे आपको लिखा रहेगा 2+2+9, जैसे अलग अलग क्वेश्चन के कितने कितने मार्क्स आपको दिए गए हैं, कौन से में, वो सारी चीज़ें टोटलिंग तो यहाँ कर रखी है, अंदर आपको शीट्स में मिल जाएंगी, आपने क्या किया था और कितनी गलती आपने अंदर की थी वो सब पता चल जाएगा। अदरवाइज टॉप पेज पे, फ्रंट पेज पे आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि ऐसे आपके पास टोटल, जैसे 139 का एग्जाम्पल है ना, 139 मार्क्स लिखे हैं, इसे टोटल आपको दिखा दिए जाते हैं। तो आप ये चीज ऐसे आपके पास आंसर की, आपके पास आंसर शीट सॉरी आपके घर तक आ जाती है। तो सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों, आपको जानना जरूरी है, ये सिर्फ आंसर शीट की बात है। आप कुछ भी आरटीआई डालना चाहते हैं बाद में, फ्यूचर में कुछ भी हो, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। आप rtionline.gov.in पर जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पे अपील डालिए, आपकी रिक्वेस्ट डालिए कि हाँ जी हमको यहाँ प्रॉब्लम है आरटीआई के तहत, अब इस चीज़ का कर सकते हैं, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है उसके थ्रू आपको अपील कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा। इजी प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत पेमेंट रहेगा, पोस्ट वोस्ट का रहता है, वो चीज़ हर चीज़ में नहीं आता है पेमेंट, तो वो चीज़ करने के बाद स्टेटस देखते रहना है आपका, जो भी होगा आपको स्टेटस पर पता चल जाएगा। यहाँ फिलहाल हम आंसर शीट की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने देख ली है कि कैसे आपकी आंसर शीट मंगाई जाती है। सबसे पहले आप, अगर आपको नहीं जाना आरटीआई से रजिस्ट्रेशन, तो आप एससीसी के नॉर्थ रीजन से भी कर सकते हैं, आरटीआई ऑनलाइन पे जाके फॉर्म भर दीजिए, भरने के बाद सबमिट कीजिए, पेमेंट कीजिए 10 रुपये का, और उसके बाद आपके पास मेल पे आ जाएगा आईडी पासवर्ड, वेट करना है थोड़े दिन, आपके पास वो आईडी पासवर्ड से आपको व्यू स्टेटस करना है rtionline.gov.in पे व्यू स्टेटस करना है। व्यू स्टेटस में डाल देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और ये सारी चीज़ें भर के चेक हो जाएगी वहाँ से पूरी की पूरी, और आपका स्टेटस आपको मिल जाएगा कि हाँ हमारे ये आपका अप्रूवल हो चुका है, और आपके पास आपकी पोस्ट घर तक आ जाएगी। सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने रिपीट करके भी बता दिए, अदरवाइज आप वीडियो देख लीजिए पूरा, आपको समझ में आ जाए, और कुछ भी डाउट से रिलेटेड इसके पास आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। जब तक के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। और जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कि आपका हमारा जो टाइम्स ऑफ नॉलेज नोटिफिकेशन एंड हब जो है चैनल, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन हम उस पर ही डालने वाले हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम यहाँ पे एग्जाम के कंटेंट डालना चालू करेंगे फिर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।